8-9 अगस्त की रात पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर जैसा जघन्य अपराध हुआ। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया है, लेकिन जब लेडी डॉक्टर का पोस्टमार्टम हुआ तो उसके साथ गैंग रेप की बात सामने आई। सीबीआई इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। पीड़िता के साथ हुए रेप और हत्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके शरीर पर कई गंभीर चोटें थी जो मौत से पहले उसे दी गई, यानी उसे तड़पाया गया, उसे काफी प्रताड़ना दी गई। उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके सिर, दोनों गाल, होंठ, नाक, दाहिने जबड़े, गर्दन, बाएं हाथ और टखने के साथ साथ उसके निजी अंगों के अंदर 14 से अधिक चोटें पाई गई हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का तो ये फेलियर है ही, लेकिन मैंने इस केस को जितना भी पढ़ा है अभी तक, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस बेटी की मेरे पास आई है, उस रिपोर्ट को देख करके ये लगता है कि ये क्राइम कोई एक सिंगल अपराधी नहीं कर सकता है, कल्प्रिट नहीं कर सकता है। इसमें जो अदर एंगल आ रहा है वो मुझे लग रहा है कि ये गैंगरेप का मैटर है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख करके मुझे लग रहा है। निर्भया केस से कंपेयर करें तो उस बेटी के साथ भी इसी तरीके का हीनियस क्राइम हुआ था, जैसा निर्भया के साथ हुआ, वैसा ही इस बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख करके लग रहा है। उनकी आईज को डैमेज किया गया है, उनके प्राइवेट पार्ट को डैमेज किया गया है, उनके नेक को, उनके थायराइड जो ग्लैंड है उसको डैमेज किया गया, बॉडी में मल्टीपल इंजरीज हैं और उस बेटी ने फाइट भी करी है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, इस तरीके से वो उस रिपोर्ट में है। तो जो सेमिनार हॉल है जिसमें उस बिटिया की डेड बॉडी पाई गई है, वहां पर अदर भी जगह पर कैमराज लगे हुए थे, लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिखाया गया। कल मुझे पता चला कि 5 अदर जो पर्सन्स हैं उनको भी पुलिस पूछताछ कर रही है। तो सीबीआई की जांच तो ठीक है होगी, अब बहुत सारी चीजें जो रियलिटी है वो निकल करके आएगी कि ये गैंगरेप का मैटर है, ये मर्डर का मैटर है, लेकिन जो फैक्ट टेम्पर करे गए होंगे इतने कड़ी 1 वीक में, तो उस पर फिर सीबीआई के लिए भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि कोलकाता हाई कोर्ट ने इसमें सीबीआई जांच के लिए, इंक्वायरी के लिए डायरेक्शन दिया और वो उसको एक्सेप्ट करा गया है, तो रियलिटी सामने आएगी। जो भी होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। हम मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताते हैं कि पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या खुलासे हुए हैं। प्राइवेट पार्ट में टॉर्चर करने की वजह से उसे गहरा घाव हुआ, प्राइवेट पार्ट से खूब खून बह रहा था। पीड़िता ने चिल्लाने की कोशिश की थी, उसे ऐसा करने से रोकने के लिए उसके नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया। आरोपियों ने उसका गला घोटा जिससे थायराइड कार्टिलेज टूट गया। पीड़िता चश्मा पहनती थी, पीड़िता के साथ ऐसी जबरदस्ती हुई कि चश्मा के शीशे के टुकड़े उसकी आंखों में घुस आए, जो आंख से खून बहने का कारण बना। पीड़िता के सिर को दीवार से सटा दिया गया ताकि वह चिल्ला ना सके। पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया था। उसके चेहरे, गले और अन्य स्थानों पर नाखून के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिले ये तथ्य चीख चीख कर कह रहे हैं कि पीड़िता के साथ किस तरह की बर्बरता की गई। इसके दर्जनों सबूत उसके शरीर पर मौजूद हैं। अब यही सबूत सीबीआई को आरोपियों तक पहुंचाएंगे। इस बीच कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी संजय राय के पोलोग्राफी टेस्ट करने की सीबीआई को इजाजत मिल गई है। जांच एजेंसी ने इसके लिए कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इससे पहले एजेंसी आरोपी का मनोवैज्ञानिक टेस्ट भी करा चुकी है। अब पोलोग्राफी टेस्ट से यह पता चलेगा कि आरोपी कितना झूठ और कितना सच बोल रहा है। दूसरी तरफ सीबीआई ने इस मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई की टीम विद लेडी डॉक्टर के घर पहुंची और एक बार फिर उसके माता पिता का बयान लिया।